राहुल गांधी ने एक बयान दिया और बयान में यह कहा कि अगर मेरी बहन प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ जाती तो देश के प्रधानमंत्री को लाले पड़ जाते, उन वो फिर 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। राहुल गांधी ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। हमें नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। अब सवाल है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब इतने कॉन्फिडेंट थे कि प्रियंका अगर बनारस लड़ जाएं तो देश के प्रधानमंत्री अपना चुनाव लाखों वोटों से हार जाएंगे, तो सवाल है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने से किसने रोका। सवाल तो यह भी है कि जो राहुल गांधी वायनाड से भागकर रायबरेली तक आए, उसी रायबरेली से ऐसी खबरें थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से किसने रोका। अब जब राहुल गांधी खुले में ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती तो बनारस से प्रधानमंत्री की बड़ी हार हो जाती, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती कि अगली बार मतलब 2029 के भविष्य के लोकसभा चुनावों के लिए अभी से ही कांग्रेस पार्टी ऐलान कर दे कि अगली बार बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब नंबर आपके पक्ष में है, जब चुनाव बीत चुके हैं, तो इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? क्या ये बयान बस इसलिए दिए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी की नाराजगी किसी तरह से दूर कर दी जाए? क्योंकि साल दर साल प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर यही रहा है कि वो कभी रायबरेली में अपनी माँ के लिए तो कभी भाई के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करती रही। जबकि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने चुनावों के दौरान क्या कहा था चुनाव लड़ने को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा खुले में कह रहे हैं कि अमेठी से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन राहुल गांधी चुनाव खत्म होने के बाद कह रहे हैं कि प्रियंका अगर बनारस से लड़ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी हार जाते। अब सवाल है, 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी चूंकि वायनाड तो छोड़ेंगे ही, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये तय कर रहे हैं कि अब संसद पहुंचने के लिए प्रियंका गांधी को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वायनाड की सीट तो कंफर्म सीट है। राहुल गांधी चाहें तो अभी भी अपनी बहन प्रियंका को देश की लोकसभा तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी की एंट्री राहुल गांधी के लोकसभा में रहते देश की संसद में हो? क्योंकि कांग्रेस के ही अंदर तमाम ऐसे जानकार हैं जो ये मानते हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी कभी चुनाव लड़ें।